नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपको सीटेट 18 सितंबर 2016 का सॉल्व पेपर, वो भी सिर्फ आंसर की के साथ नहीं, पूरे क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है इसमें एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा जो आपको यूट्यूब में या कहीं भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है ये है पर्यावरण के ऊपर और ये पेपर जो आपका सेकंड है, जो कक्षा पहली से पांचवी तक के लिए है, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण के हम कुछ क्वेश्चन लेंगे आज यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ रात 9 बजे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना ना भूले, रोज रात 9 बजे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए कि यहाँ पर जो क्रियाकलाप हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सामूहिक रूप से हो रहा है, तो इसका निर्माण आपको करना है तो किन विचारों को आप ध्यान में रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको रखना होगा, नहीं तो क्रियाकलाप बच्चे को करने में आनंद नहीं आएगा और बच्चा दोबारा क्रियाकलाप करना भी नहीं चाहेगा। लड़कों और लड़कियों को समान रुचि, बिल्कुल हम यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह की बात नहीं करेंगे, लड़के और लड़कियां दोनों को समान रूप से रुचि लगे ऐसा कर रखेंगे। अब यहाँ देखिए, मूल्यवान सामग्री लगी है उसका ध्यान रखेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ इसका ध्यान नहीं रखेंगे हम। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि लगे, बिल्कुल ये भी आपका राइट आंसर है। इसका मींस ये हुआ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बी एंड डी, एंड क्वेश्चन 2 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन मिलेगा आपको यहाँ पे, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी कुछ सीख के जाएंगे अगर आप आज पूरे वीडियो को देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है, केवल एक कथन ऐसा है जो नहीं करता है, वह कथन आपको बताना है कौन सा कथन नहीं करता है। तो यहाँ देखिए, बच्चे परस्पर समंजस और सहयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल बच्चे जो होते हैं ये सहयोग करना सीखते हैं, जब इनमें समंजस की भावना आती है तब बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने पर अधिक सीखते हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी में तर्क वितर्क करोगे तो बच्चा उससे ज्यादा सीखता है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी कहीं तक सही है। और यहाँ बोला जा रहा है प्रौण के समर्थन से बच्चे अपनी क्षमताओं का अधिक ज्ञान करते हैं, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं ये बड़ों का ज्ञान लेकर भी काफी कुछ सीखते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनके ज्ञान से। पर यहाँ देखिए बात क्या कही गई थी, इस कथन में पर्यावरण अध्ययन का सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में शिक्षक और विद्यार्थी, तो इसमें कहीं तक ये जो प्रौढ़ है यानी जो हमारे एल्डर्स हैं ये इनका शामिल होना नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन 4 होगा वो यहाँ पर गलत होगा, तो हमारे लिए वही राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं, देखिए यहाँ समूह कार्य से हो रहा है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर बच्चों का जो चल रहा है सामूहिक कार्य चल रहा है और पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं आप, और ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन करना है। कौन सी विशेषताओं को करना है? सामाजिक और व्यक्तिक जो विशेषता है उसका आकलन करना है। तो देखिए, दत्कार कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न और निर्धारण मापियन, तो यहाँ पे आप दत्कार की बात कर लें या कागज पेंसिल की कर लें या निर्धारण की बात कर लें, तो ये सभी जो है लिखित है। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन वो है मौखिक, तो मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उससे बच्चा क्या होता है सामाजिक और जो व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन बड़े आसानी से कर सकते हो लेखन की अपेक्षा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौखिक प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो और अपने फ्रेंड की भी मदद करिए, उनके साथ शेयर करिए हमारा वीडियो, चैनल का नाम बताइए उन्हें ताकि वो भी हमारे चैनल तक पहुंच सके। नीचे पौधे के बारे में बच्चों ने कुछ जो विचार व्यक्त किए हुए हैं,
तो इन विचारों में अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखोगे तो क्या नजर आता है आपको? तो यहाँ देखिए, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर बंद गोभी पौधा नहीं है, घास पौधा नहीं है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन राइट होगा, वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ सब्जियां जो होती हैं फल भी होती हैं, कुछ सब्जियां फूल भी होती हैं, तो ये यहाँ पर सही विकल्प है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, जिस तरह हम YouTube में स्टडी करते हैं, उसी तरह अनकेडमी भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। सिंपली आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाता है, और अनकेडमी में मेरी लेसन जल्दी ही पब्लिश हो जाएंगे जो CJET या SSC के अबाउट्स में होने। सभी के लिए कक्षा फोर्थ की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वायु वृद्ध लोग जो हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वह उनसे पूछिए कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने बड़ों से, बूढ़ों से पूछना है कि क्या ऐसे पौधे भी आपने देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उपरोक्त प्रश्न में पूछे गए निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन करने की संभावना नहीं है, या चर्चा की, अभिव्यक्ति की, प्रश्न पूछने का, या प्रयोग की। यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न पूछना कैसा है, एक महत्वपूर्ण भाग है, और इससे चर्चा एवं अभिव्यक्ति के माध्यम में छात्रों का विषय संबंधी ज्ञान अधिक बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयोग। यहाँ देखिए, अगर आप प्रश्न पूछते हैं या चर्चा करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जो ज्ञान है बहुत व्यापक हो जाता है, बढ़ जाता है, पर ये जो प्रयोग है वो इस कथन के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट सिक्स, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है तो शिक्षक को शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो यहाँ कूड़े से बनी हुई श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रदर्शन आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों में पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है आपका टू। राइट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो देखिए, यहाँ पे जो शिक्षक है वो सिखा रहा है कि घर के रद्दी सामग्री का उपयोग करके आपको कुछ उपयोगी चीजें बनाना है, तो शिक्षक वहां पे सृजनशीलता और उनकी समझ को जानने का प्रयास कर रहा है कि बच्चा कितना क्रिएटिविटी है उसके अंदर, ये जानने का प्रयास कर रहा है। वो बच्चों में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय नहीं लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या मिला है हमें, बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना के अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए चार प्रश्नों के उत्तर से होगा, इन प्रश्नों के उत्तर से आपको कौन सा विकल्प सही लगा। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, बच्चों और शिक्षक दोनों में स्व आकलन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब छात्र प्रश्न पूछते हैं ताकि अध्यापक को यह मालूम हो सके कि छात्रों ने अध्याय को कितने अच्छे तरीके से समझा है, ताकि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करके उन पर विशेष बल देकर उनके बारे में छात्रों की जो धारण शक्ति होती है उसका अधिक मजबूत कर सकें। तो इन क्रियाकलापों के अनुसार जो होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों में क्या होगा, स्व आकलन इज राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से आप इसे रीड कर लीजिए। राइट आंसर होगा थर्ड, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का जो कार्य है ऐसी भाषाओं में होना चाहिए जिसमें बच्चे को समझने में बहुत आसानी हो, वह दिन प्रतिदिन से संबंधित है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो आपको ऐसी लैंग्वेज लेनी चाहिए, ऐसी भाषा लेना चाहिए जो बच्चों के दिन प्रतिदिन में प्रयोग करता हो, यानी रोजाना जिसकी कह सकते हैं हम, जो उसकी मातृभाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं को चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते हैं, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या लगता है आपको?
तो कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। राइट आंसर क्या होगा इसका? थर्ड, ए बी सी। तो यहां देखिए, सृजनशीलता का विकास करना, कहीं तक जो लेखक है और यह जो शिक्षक है वह सृजनशीलता का विकास करना चाहता है, क्योंकि आपको नया कार्य करने के लिए दिया हुआ है उन्होंने। अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है वो होंगे यहाँ पर राइट आंसर। डाटा संग्रहण का विकास करना, डाटा संग्रहण यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए आप सिर्फ चित्रों में क्या कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं, तो जिससे आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी होगी, आप नई चीजें करोगे, नया कौशल आपके पास होगा, नया कौशल का विकास होगा, इसीलिए जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपके सही होंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र और उप विषय के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा कारण हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक संस्कृति संदर्भों में पौधे और पशुओं के स्थान को निर्धारित करना, या विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठता संबंध को साझा करते हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों में घनिष्ठता के रूप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे तो वो होगा सही पहला। कौन सा राइट आंसर होगा? फर्स्ट। तो विद्यार्थियों में ज्ञान और जो विज्ञान है इसके दृष्टिकोण में पौधे और पशुओं को समझने में सहायता मिल सके, अच्छे तरीके से समझ सके, इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। तो यहां देखिए, अगर आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य आप जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर समुदाय के साथ अननोन क्रिया के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये भी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना और प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, जो आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो देखिए ये एक पर्यावरण का चारों ही उद्देश्य रहते हैं कि बच्चा जो है वह विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाए और समुदाय के साथ रहे, उनके साथ क्रियाएं करें और आकलन का भी एक अवसर उसमें उसे मिल सके। तो ये सारे जो होते हैं पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं हम। तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए एक उत्तर इस प्रकार है, पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग में पानी पी लिया, या भगवान ने पानी पी लिया। तो इसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देना है 12 से 14 तक के क्वेश्चन। तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका 1, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार। ठीक है, जो वाष्पीकरण है उसके बारे में बच्चों के जो अलग अलग मत है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षक को इन्हीं उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते आप इस तरह के जो उत्तर हैं उसे किस प्रकार सामना करेंगे? बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा 4, उनके विचारों तथा पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करना चाहिए। देखिए इस तरह का जो उत्तर है उसमें क्या होना चाहिए, परिचर्चा, चर्चा होनी चाहिए, ताकि चर्चा के द्वारा हम उसे सारे तथ्यों को स्पष्ट कर सकें। तो राइट आंसर होगा 4। 14 में चलते हैं हम, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच को का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, क्या होता है यदि
जल चक्र होता ही नहीं, तो ये नमूना ज्यादा अच्छा होगा वास्तविकरण में अलग अलग सोच का आकलन करने के लिए। तो यहाँ पर ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये विश्लेषण विधि है, इसमें छात्र जो होता है स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर इस बात का खोज करता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए उसे कौन कौन सी आवश्यक बातें मालूम करने पड़ती है या कौन कौन सी आवश्यक बातें उसके सामने आती है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित हैं और पड़ोसी राज्य भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रत्येक स्थान में नाम और उसके साथ क्षेत्र में बनाए जाने वाले दो समान घर के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मनाली दिया हुआ है, राजस्थान, असम और लद्दाख दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, जो यहाँ नीचे दिखाई देगा आपको, ये वाला तीसरा राइट आंसर है। कैसे है बता दूं आपको, मनाली की हम बात करें तो पत्थर लकड़ी से बनी हुई ढालू छत वाले वहां पे आपको घर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? मनाली में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एक का सेकेंड। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें केटली और झाड़ियों से छाई हुई होती है। तो यहाँ पर राजस्थान की अगर आप देखें तो उनकी जो छतें होती है वो कैसी होती है, झाड़ियों से छाई हुई होती है, मतलब चौथा आंसर आपका सही होगा। असम की हम बात करें तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं असम में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ये। और लद्दाख की आप बात करें तो यहाँ पर होती है हाउस बोट, लद्दाख में पत्थर से बने घर होते हैं जिनके फर्श पर छतें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। कैसे होते हैं वो घर, जिसकी छतें और फर्श जो होता है वो कैसी बनी हुई होती है, लकड़ियों की बनी हुई होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन, जो आपने पशु की त्वचा देखी होंगी अलग अलग पैटर्न या अलग अलग डिजाइन उसमें दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर 17। तो जंतु एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं तो उनमें एक प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, एडप्टेशन होता है। कुछ ऐसे जंतुओं की त्वचा पर डिजाइन भी होते हैं और उनके अनुकूलन का गुण के कारण होते हैं, जलवायु प्रदेश के कारण भी होते हैं जिनमें वे रहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये क्या है, अनुकूलन है। तो राइट आंसर होगा उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां अनुकूलन के कारण भी उनके बॉडी में जो स्पॉट्स है या अलग अलग पैटर्न्स हैं वो आ जाते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा हो तो उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं का पर अधिकार है, ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? अगर आप 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हो तो उसमें जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसमें उस व्यक्ति का अधिकार होगा। तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में जंगल के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए थे, उस नियम में बताया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर पसंद आया आपको तो, अदरवाइज नहीं भी पसंद आया तो कमेंट करके बताएं क्यों पसंद नहीं आया आपको। निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग समुच कौन सा है? तो यहाँ देखिए आप, मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, डेंगू मच्छरों से होता है, मलेरिया होता है और चिकनगुनिया। यहाँ देखिए एड्स वगैरह दिया हुआ है, हैजा दिया हुआ है, ये सारे जो होते हैं ये मच्छरों से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, आई थिंक मैं सब जानता हूँ कि सभी लोग को आंसर इसका पता हुआ है। जो घटपड़ी पौधा होता है ये क्या होता है या इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, मेंढक, कीड़े मकड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये एक पौधा होता है, एक मांसाहारी पौधा होता है जो क्या करता है, मेंढक को या जो कीड़े मकड़े होते हैं उन्हें बड़ी चालाकी के साथ फंसाता है और अपना भोजन तैयार करता है, वो होता है घटपड़ी पौधा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है?
21 नंबर का क्वेश्चन, तो हम देखें तो आंवले में, पालक में, गुड़ में लोह तत्व जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, आंवला, पालक और गुड़। तो ज्यादातर आपने सुना होगा पालक में बहुत लोह तत्व होता है, कई बार पालक का सूप जो होता है, जूस होता है, वो पीने के लिए कहते हैं। गुड़ में, आंवले में, इसमें ज्यादातर लोह तत्व होते हैं, इसमें ब्लड की मात्रा भी बहुत बढ़ती है इनका सेवन करने से। 22 नंबर का क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाली व्यावसायिक आए थे, यानी जो हमारे देशों में मिर्च का उपयोग हो रहा है वो कहाँ से आई हुई है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आई हुई है? दक्षिण अमेरिका से। तो मिर्च सबसे पहले मैक्सिको में उगाया जाता था और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कहाँ उगाया जाता था? मैक्सिको में, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भागों में भी हैं। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगालिये थे उन लोगों ने मिर्च भारत लाई थी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहा है। कहाँ उगाया गया था सबसे पहले? मैक्सिको में, जो दक्षिण अमेरिका का ही एक शहर है। और सबसे पहले जो भारत में मिर्च आई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही आई हुई थी। 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये काफी नया क्वेश्चन, कैक्टस पौधों के बीच कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला बनाता है? तो यहां पर ऑप्शन जो होगा वो होगा फोर्थ, जो फाख्ता पक्षी होता है वह कैक्टस के बीच में घोंसला बनाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काफी कई बार टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे ही पेपर में काफी ऐसे टफ क्वेश्चन भी लिए गए हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। वह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टे लटककर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। कौन है ऐसा आप बताइए? तो राइट आंसर होगा इसका फोर्थ। तो दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला एक शाकाहारी जीव है ये। अधिकांश समय ये उल्टा लटका हुआ रहता है और ये बहुत शांत रहने वाला जीव है। और कहाँ मिलता है आपको? जैसे मैंने बताया दक्षिणी अमेरिका में ये जीव आपको पाया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, नीचे दिए गए जीव के समूह में से निम्नलिखित किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को वो देख सकते हैं? तो यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी दृष्टि मनुष्यों से ज्यादा होती है? तो आप देखेंगे चील की, गरुड़ की, गिद्ध की, जो आंखें की बनावट होती है वह इस प्रकार से होती है कि वह बहुत दूर से ही स्पष्ट चीजें देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 25 का वो होगा थर्ड, चील, गरुड़ और गिद्ध। तो फ्रेंड्स, क्या एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है या एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ये बात को। काफी बड़े क्वेश्चन है इसमें। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती का एक रूप है तो आपको ये बताना है। तो इसका रूप है झूम खेती। ऑप्शन क्या राइट होगा इसमें? झूम खेती। झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती होती है जिसमें जंगलों को साफ करके खेती की जाती है और इस प्रकार कृषि जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में
पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में झूम खेती की जा सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, आपको क्लियर हो गया कि जंगलों को साफ करते हैं और वहां पर खेती का कार्य होता है, और कार्य होने के बाद उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसी जो खेतियां होती है ज्यादातर पर्वतीय इलाकों में आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसा कर रहा है? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में। सांप को सांप के कान नहीं होते हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा, वह अपनी त्वचा में कंपन की ध्वनियों को सुनता है। ऐसे में जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उस वाद्य यंत्र पर उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके इधर उधर घुमाता है। तो जैसा आपको पता है कि इनके कान नहीं होते हैं, तो ये अपनी बॉडी से सुनने का प्रयास करते हैं, या वाद्य यंत्र की जो तरंगे होती है उसे महसूस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि वे सिर की सहायता से वाद्य यंत्र के द्वारा अपने जो शरीर है, अपने जो सिर है, उसे मूव करता है। 28 नंबर का हम क्वेश्चन देखिए। परिवार एक इकाई होते हैं जिसमें माँ पिता और उनके बच्चे होते हैं, ये कथन है। ये क्वेश्चन मैं आपसे शायद पहले भी पूछ चुका हूँ। तो आकार या आधार पर मनुष्य के परिवार दो प्रकार के होते हैं, जैसा आपको मैंने बताया था, एकल और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे रहते हैं, जो कि परिवार का आकार छोटा होता है। इसी के विपरीत एक संयुक्त परिवार होता है, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे सभी मिलकर रहते हैं, नाना नानी, पोते रहते हैं। तो परिवारों का आकार वहां पर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो सेकेंड राइट होगा, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण हम नहीं कर सकते हैं। मानव के पेट में अमाशय रस की प्राकृतिक खालिस्तान होती है और वह भोजन को पचाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 29। मानव के पेट में स्त्रावित होने वाला एक अमाशय रस की प्राकृतिक अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय, जो भोजन पचाने में सहायता करती है, साथ ही पेट में क्षारीय संतुलन भी बनाए रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा थर्ड, अम्लीय। जैसा आपको आंसर मिल गया होगा। कक्षा तीसरी में एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे और पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया हुआ है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है इसका फोर्थ वाला आंसर, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक सही उत्तर होता है। तो ये था आपका सीटेट 2018 सितंबर में हुई थी ये परीक्षा, जिसका आपको दिया गया है विस्तार पूर्वक आंसर। और कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक से, तो उसे भी बता दें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़ना चाहता है वो जुड़े। 100 रुपीज की फीस है, हमेशा के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं और हमारी जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हो, वो भी हमेशा। कोई एक वन टाइम का नहीं है, वन टाइम पेमेंट है और हमेशा आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो जो भी करना चाहता है, सारी कुछ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिए हमारे वीडियोस और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। परीक्षा तो 2018 में ही हो